मोसले ने सबसे पहले एक्सरे के द्वारा एटॉमिक नंबर का पता किया। किसी भी एटम का कितना एटॉमिक नंबर है ये एक्सरे स्पेक्ट्रा के द्वारा किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का इन्होंने पता किया था। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था रूट अंडर न्यू इज इक्वल टू ए ब्रैकेट जेड माइनस बी। यहां पर नो फ्रीक्वेंसी है, ए और बी कांस्टेंट है, जेड न्यूक्लियर चार्ज है। यहां पर कहा जाता है मोसले के अकॉर्डिंग, इन्होंने ये कहा कि किसी भी एलिमेंट्स का जो पीरियडिक फंक्शन होता है वह एटॉमिक नंबर होता है। पीरियडिक फंक्शन का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किस बात के ऊपर निर्भर करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने यह प्रूफ किया किसी भी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, जबकि इससे पहले जो मेंटली पीरियडिक टेबल या और भी पीरियडिक टेबल बने थे उसमें एटॉमिक मास को पीरियडिक फंक्शन माना गया था। उस समय तक ये माना जाता था कि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए उन सभी साइंटिस्टों ने जो पीरियडिक टेबल बनाया था बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया था। लेकिन मोसले ने जब यह प्रूफ किया किसी भी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यह एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, तब इन्होंने इस पीरियडिक टेबल को अपने तरीके से तैयार किया। इन्होंने जो पीरियडिक टेबल तैयार किया यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड था, जिसे कि मॉडर्न पीरियडिक लॉ भी कहते हैं। तो मॉडर्न पीरियडिक लॉ में आप ये जानते हैं, यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, मॉडर्न पीरियडिक लॉ इज दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। उसके बाद हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल। ये जो लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल इज नॉन एज बोहर्स टेबल। लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है या लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल है, दोनों एक ही चीज़ है, यह कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। इस पीरियडिक टेबल में कुछ वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसे ग्रुप कहा जाता है, ये ग्रुप्स हो गए, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं या हॉरिजॉन्टल रो भी इसे कह सकते हैं, इसे पीरियड कहा जाता है। तो इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, ये लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वो प्रिंसिपल। जहां जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये मेन पॉइंट है। एवरी पीरियड स्टार्ट विथ फिलिंग द एस ऑर्बिटल ऑफ न्यू ऑर्बिट एंड एंड्स विद कंप्लीटली फिलिंग ऑफ द पी ऑर्बिटल ऑफ द सेम ऑर्बिट। यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं
किसी भी ऑर्बिट में आप एस ऑर्बिटल से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं, यानी कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग शुरू होता है और उसी ऑर्बिट के पी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। द पीरियड कंटेन ओनली टू एलिमेंट्स इन विच द फर्स्ट ऑर्बिट केसेन इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इट इज नॉन एज शॉर्टेस्ट पीरियड। यानी कि जो फर्स्ट पीरियड होता है इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटा पीरियड कहा जाता है। सेकेंड पीरियड स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इनटू टू एस ऑर्बिटल ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट एंड एंड विद कंप्लीटली फिलिंग टू पी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम ऑर्बिट इन नियॉन। यानी कि जब सेकेंड पीरियड का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं या सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू होता है 2s ऑर्बिटल से और कम्प्लीटली ये फिल होता है 2p ऑर्बिटल में, यानी कि सेम ऑर्बिट के s और p में। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, सेकेंड और थर्ड पीरियड दोनों में 8 एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं और थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए सेकेंड एंड थर्ड को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। तो जो फर्स्ट पीरियड था इसे आपने शॉर्टेस्ट पीरियड कहा और सेकेंड और थर्ड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं। उसके बाद यदि हम लोग फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात करें तो इसके अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रत्येक में होते हैं, यानी कि फोर्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं और फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स को लॉन्ग पीरियड्स कहा जाता है। सिक्स्थ पीरियड, इसके अंदर टोटल 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। जबकि यदि हम सेवंथ पीरियड की बात करें तो सेवंथ पीरियड आज भी इनकम्प्लीट है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था जो लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल है इसमें 7 पीरियड्स होते हैं और सभी पीरियड्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट पीरियड है यह शॉर्टेस्ट पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड्स, सिक्स्थ पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड एंड सेवंथ पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया और आपको याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट, यदि हम लोग यहाँ पर आगे बात करें कि एवरी पीरियड स्टार्ट विद एन अल्कली मेटल्स, किसी भी पीरियड के बारे में यदि आप स्टडी करेंगे आप ये देखेंगे सभी पीरियड्स अल्कली मेटल से शुरू होते हैं और इनर्ट गैस पर जाकर के एंड होता है। यानी कि अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है और इनर्ट गैस ये 18th ग्रुप का मेंबर है, क्योंकि टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं 1 to 18। द नंबर ऑफ द पीरियड टू विच एन एलिमेंट बिलोंग्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड ऑर्बिटल्स फिल्ड इन द एटम एंड दैट एलिमेंट और टू द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आप लोगों ने इससे पहले क्वांटम नंबर पढ़ा होगा। क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पर जो ये ऑर्बिट्स की बात कर रहा है यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है द नंबर ऑफ द पीरियड टू विच एन एलिमेंट बिलोंग्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स फिल्ड इन द एटम of that element or to the value of principal quantum number।
यानी कि फर्स्ट पीरियड की बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 होगा, सेकेंड पीरियड की बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 होगा, इसी तरीके से थर्ड फोर्थ जिस पीरियड के बारे में बात करेंगे वहाँ पर क्वांटम नंबर उस पीरियड के बराबर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है द नंबर ऑफ ग्रुप टू विच एन एलिमेंट बिलोंग्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मैं यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप पुराने पीरियडिक टेबल को देखेंगे, यानी कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल ही है लेकिन आज से 20 साल पहले जो सिलेबस में था वहाँ पर जो 18th ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ उस समय पहले इसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, इस तरीके से नाम हुआ करता था। तो जिसे आज हम थर्ड ग्रुप कहते हैं, जिसे आज हम लोग थर्ड ग्रुप कहते हैं उसे यहाँ पर थर्ड बी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा कि एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, जो तीसरे पीरियड का एलिमेंट्स है। मैं यहाँ पर ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं पीरियड के बारे में बता रहा हूँ। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप, और सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर नोन एज ब्रिज एलिमेंट्स। यहाँ पर जब आप पीरियडिक टेबल देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट कहा जाता है जबकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट्स कहने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर यह डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, यानी कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप डेवलप होता है। इस चीज को मैं यहीं पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि सेकेंड पीरियड में आपके पास यहाँ पर लिथियम है, ये लिथियम हो गया, और सेकेंड पीरियड में सेकेंड ग्रुप में यहाँ पर बेरिलियम है, ये बीई है बेरिलियम। लिथियम के ठीक नीचे थर्ड पीरियड में यहां पर सोडियम है, और थर्ड पीरियड में लेकिन सेकेंड ग्रुप में यहां पर मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम, तो यहां पर आप देखिए इस तरीके से डायगोनल रिलेशनशिप डेवलप करता है। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर नॉन एज ब्रिज एलिमेंट्स, क्यों? बिकॉज दे शो डायगोनल रिलेशनशिप विद द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल एलिमेंट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू फोर ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिल होता है वह एलिमेंट उसी ब्लॉक का माना जाता है। यदि मान लीजिए कि सोडियम का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो मैं यहाँ पर सोडियम का लिख रहा हूँ ये सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा
वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स और थ्री एस वन। तो आप यहां पर देखिए इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर गया, 3s में, यानी कि s ऑर्बिटल के अंदर। तो यहां पर ये जो सोडियम होगा s ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखा है, s ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू s ऑर्बिटल, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 एंड ns2। यदि किसी भी पीरियड का मेंबर हो, लेकिन यदि ग्रुप फर्स्ट है तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 होगा। यहाँ पर n ऑर्बिट नंबर है। और यदि सेकेंड ग्रुप का मेंबर है तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2। ऐसे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि s ऑर्बिटल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है दो इलेक्ट्रॉन्स रखने की होती है, टू इलेक्ट्रॉन्स रखने की होती है। एस ब्लॉक कंटेन ओनली टू ग्रुप्स, ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि एस ब्लॉक के अंदर दो ही ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। यहां पर द फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑफ द पीरियडिक टेबल आर एस ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप कंटेन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स विद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1। और सेकेंड ग्रुप कंटेन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2। यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हाइड्रोजन होगा और उसके नीचे सभी अल्कली मेटल्स होते हैं। इन सबों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वन इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है ns के अंदर होता है। जबकि सेकेंड ग्रुप है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 होगा और इसके अंदर सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। s ब्लॉक में यदि हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब मेटल्स होते हैं। तो ये था हमारा एस ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा और यदि सेकेंड ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। अब बात करते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स इस प्रकार होते हैं, द लास्ट सिक्स ग्रुप्स ऑफ द पीरियडिक टेबल, ये लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल, आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कहने का सेंस यहां पर है ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक, ये सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी ऑर्बिटल, यानी कि पी ब्लॉक के वही एलिमेंट्स होंगे जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। यहां पर जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 np126, यानी कि कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ग्रुप नंबर यहां पर 13 है, यहां पर 14 है,
यहां पर मैंने 15th लिख लिया, ये मैंने ग्रुप नंबर लिखा। अब यहां पर NS 2 होगा और यहां पर NP 1 होगा, ये हो गया 13th ग्रुप। यदि हम लोग यहां पर 14th ग्रुप के बारे में बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगा और NP 2 हो जाएगा। और यदि 15th ग्रुप के बारे में बात करें, यहां पर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP3 होंगे। इस तरीके से जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता जाएगा, P के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए यहां पर लिखा गया है, वन टू सिक्स, यानी कि 13th ग्रुप का मेंबर होगा तो पी के ऊपर 1, 14th ग्रुप का मेंबर होगा पी के ऊपर 2, 15th ग्रुप का होगा पी के ऊपर 3, 16th का यदि होगा तो पी के ऊपर 4, इस तरीके से। और खास बात यहां पर यह है, पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटेलॉइड्स भी। यहां पर एक एक्सेप्शनल है, वो एक्सेप्शनल क्या है, वो है हीलियम। जब आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। तो यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में गया, लेकिन फिर भी इसको पी ब्लॉक के साथ रखा गया है 18th ग्रुप में, इसलिए क्योंकि हीलियम इज ए नोबल गैस, तो यहां पर उसके कैरेक्टर को देख करके उस ग्रुप में रखा गया है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यदि पता करना चाहें तो फिर ये गलत हो जाता है, तो ये आपको अलग से याद रखना होगा। अब यहां पर बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप नंबर 3rd से लेकर ग्रुप नंबर 12th तक। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये है, N-1 D1 to 10 एंड NS either 1 और 2, क्योंकि कॉपर है, क्रोमियम है, उस केस में NS के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। कुछ ऐसे हैं जहां पर कि 0 भी लिखा जाता है, लेकिन मोस्टली में NS के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जनरली S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में होते हैं और डी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सब के सब मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। यहां पर एफ ब्लॉक के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है वह लेंथेनॉइड सीरीज कहलाता है, यह लेंथेनॉइड एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है उसे एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स कहते हैं। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार है, N-2 F1 to 14, N-1
डी जीरो और वन एंड एन एस टू, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर वही चीज बताया गया है, लेंथेनॉइड, ये फोर एफ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और एक्टिनॉइड जिसे कि फाइव एफ सीरीज एलिमेंट कहा जाता है, इसी को आप एक्टिनॉइड कहते हैं। लेंथेनॉइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं।